हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme X के कैमरास की। बेसिकली हम करेंगे कैमरा रिव्यू और मैं आपको दिखाऊंगा लगभग 50 से भी ज़्यादा सैंपल्स जो मैंने इसके रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा से दिए हैं। इसमें वीडियोस भी हैं और इसमें स्लो मोशन के सैंपल्स भी हैं। कैमरास के बारे में जल्दी से बता दूं कि पीछे की तरफ आपको 48+5 MP के कैमरास डुअल रियर कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। आगे की तरफ आपको मिलता है 16 MP का कैमरा जो कि यहां पर ये पॉपअप वाला है। आप देख सकते हैं पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है। फोन को पीछे से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का यहां पर जो सेल्फी कैमरा दिखता है। सैंपल्स की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला सैंपल आप देख सकते हैं इंडोर कंडीशन में दिया है, लाइटिंग अच्छी है और दिखने में सैंपल काफी अच्छा आया है। दूसरा सैंपल मैंने 2x जूम करके दिया है जो कि इसमें एक फीचर है, हालांकि ऑप्टिकल नहीं है। तीसरा फोटो यहां पर जो देख सकते हैं 48 MP वाला शॉट है। डिटेलिंग में थोड़ा फर्क पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा जूम करेंगे, नॉर्मली आपको कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद आप रियर कैमरा के कुछ नॉर्मल सैंपल यहां पर देख सकते हैं जो कि मैंने ऐसे ही आसपास अपने लिए हैं और दिखने में जो सैंपल्स हैं वो सारे ही काफी अच्छे आए हैं। अगर आप इस फोटो को देखेंगे ये भी यहां पर काफी अच्छी दिख रही है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इसकी डायनेमिक रेंज मुझे काफी अच्छी लगी है। पोर्ट्रेट सैंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, पेड़ पर मैंने फोकस किया है और पीछे की तरफ काफी अच्छा पोर्ट्रेट। इस फोटो को भी आप देख सकते हैं नॉर्मल सैंपल है और काफी अच्छे कलर्स आए हैं। इस फोटो को अगेन आप देख सकते हैं आगे की फोटोज, अगेन ये सिंपल शॉट्स लिए हुए हैं। पोर्ट्रेट मोड कोई भी क्रोमा बूस्ट कुछ भी मैंने ऑन नहीं किया है। सैंपल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं और कलर्स भी काफी अच्छे मुझे लग रहे हैं इन फोटोज में। एक चीज जो आप नोटिस करेंगे, जो नॉर्मल फोटोज हैं उनमें शार्पनेस का लेवल काफी अच्छा रहता है। ये एक लॉन्ग शॉट मैंने लेने की ट्राई की है और कलर्स अगेन काफी अच्छे हैं। डायनेमिक रेंज भी आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर इस शॉट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये सिंपल शॉट है। इसके बाद क्रोमा बूस्ट के साथ मैंने एक शॉट लिया है जो कि कलर्स को बूस्ट करता है। तीसरा शॉट यहां पर पोर्ट्रेट में है। अगेन इस सैंपल को अगर आप देखेंगे नॉर्मल शॉट है, क्रोमा बूस्ट के साथ एक शॉट है और लास्ट शॉट जो है वो पोर्ट्रेट के साथ है। तो इन फोटोज को अगर आप देखेंगे तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जो शार्पनेस का लेवल है वो नॉर्मल फोटो में बेस्ट रहता है। पोर्ट्रेट सैंपल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और क्रोमा बूस्ट के जो कलर्स हैं वो थोड़े से आर्टिफिशियल लगते हैं, ज्यादा ही बूस्ट कर देता है कलर्स को। अगेन एक नॉर्मल सैंपल है दोस्तों, उसके बाद एक क्रोमा बूस्ट का सैंपल है। नॉर्मल सैंपल थोड़ा सा ज्यादा क्लोज है नेचुरल कलर्स के। अगेन ये सैंपल नॉर्मल है, इसके बाद एक क्रोमा बूस्ट का सैंपल है और थर्ड शॉट यहां पर पोर्ट्रेट का है। पोर्ट्रेट फोटो भी यहां पर काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं एजिंग भी काफी अच्छी आपको यहां पर देखने के लिए मिली है और पीछे का ब्लर लेवल काफी अच्छा है। रियर कैमरा में मुझे कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली। ब्लर लेवल्स बहुत अच्छे हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं और इवन शार्पनेस बहुत अच्छी है। रियर कैमरा से यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन अगर आप यहां पर पोर्ट्रेट शॉट्स में देखेंगे जो एजिंग है वो भी आपको काफी परफेक्ट देखने के लिए मिलती है। ये एक सैंपल रियलमी के बॉक्स का आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर अगेन 2x वाले सैंपल्स आप देख सकते हैं। एक नॉर्मल शॉट है, एक 2x का शॉट है, अगेन एक नॉर्मल शॉट है, एक 2x का शॉट है। यहां पर अगेन आप तीसरा सैंपल देख सकते हैं जो एक नॉर्मल शॉट आपको देखने के लिए मिलेगा और एक 2x जूम के साथ। इसके बाद ये क्रोमा बूस्ट के साथ मैंने एक नॉर्मल शॉट और एक 2x शॉट दिया है। उसके बाद यहां पर आप रियर कैमरा के पोर्ट्रेट शॉट्स देख सकते हैं। पोर्ट्रेट शॉट्स मैंने ज्यादा नहीं दिए हैं, फेस के पोर्ट्रेट शॉट्स आप दो ही सैंपल्स में देख सकते हैं। क्लैरिटी काफी अच्छी है, ब्लर लेवल काफी अच्छा है और ओवरऑल फोटो की क्वालिटी काफी अच्छी है। फ्रंट कैमरा पर आ जाते हैं। पहले फोटो सैंपल्स फ्रंट कैमरा के हैं, उसके बाद सब वीडियो सैंपल्स मैं आपको दिखा दूंगा। फ्रंट कैमरा की अगेन अगर आप बात करें, आप फोटोज यहां पर देख सकते हैं, कुछ एक्सप्लेन करने को ज्यादा नहीं है। मैं बोलूंगा कि डायनेमिक रेंज जो है वो रियर कैमरा की काफी अच्छी है लेकिन फ्रंट कैमरा की उतनी अच्छी नहीं है। एक और चीज जो शार्पनेस का लेवल है वो रियर कैमरा में काफी बेहतर आपको देखने के लिए मिलता है एज कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम जो है यहां पर वो है ब्लरनेस की। आप देख सकते हैं कि अगर आप डेप्थ इफेक्ट की बात करें, फोटो में एजिंग काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है पोर्ट्रेट फोटो में, लेकिन जो ब्लर है वो काफी आर्टिफिशियल दिखता है, बहुत ज्यादा ही ब्लर हो जाता है। अगेन आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक नॉर्मल शॉट है, एक पोर्ट्रेट शॉट है। पोर्ट्रेट शॉट में ब्लर बिल्कुल आर्टिफिशियल दिख रहा है। इसके बाद नाइट शॉट इस फोन में बहुत ही अच्छे आते हैं दोस्तों। नाइटस्केप मोड बहुत अच्छे से काम करता है। ये फोटो नॉर्मल फोटो है जो कि बिना नाइटस्केप मोड के दी गई है। नाइटस्केप मोड के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल अंधेरा था वहां पर, कोई लाइट नहीं चल रही थी, इवन स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑफ थी। अगेन ये तीसरा सैंपल जो आप देख सकते हैं, एक नॉर्मल शॉट है, एक नाइट मोड के साथ है और नाइट मोड वाला शॉट यहां पर काफी अच्छा आ जाता है। रियर कैमरा के वीडियो सैंपल्स पर आ जाते हैं दोस्तों। पहला सैंपल जो है वो 1080 pixels 30 frames per second का लिया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ इस मोड में इमेज स्टेबलाइजेशन ऐसा लगता है कि काम करता है। आप देख सकते हैं कि डायनेमिक रेंज काफी अच्छी आपको वीडियोस में भी देखने के लिए मिल जाती है और अगर आप फोकस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफी तेजी से मुझे लगता है कि फोकस शिफ्ट हो जाता है और काफी स्मूथ रहता है, फोकस हंटिंग ज्यादा नहीं होती है। ये रियर कैमरा के एक 1080 pixels 60 frames per second का एक सैंपल है। आप देख सकते हैं
स्मूथनेस डेफिनेटली बढ़ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सैंपल में इमेज स्टेबलाइजेशन काम नहीं कर रहा है। रियर कैमरा का एक 4K सैंपल आप देख सकते हैं, 4K वीडियो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड की है, यहाँ पर तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इमेज स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। हालांकि क्लैरिटी अगर मैं बात करूँ फोटो की, वीडियो की, काफी अच्छी हो चुकी है और कलर्स वगैरह नॉर्मल है, रियर कैमरा में हमेशा ही अच्छे हैं। फ्रंट कैमरा से आप फुल HD या HD वीडियो शूट कर सकते हैं, मतलब 4K नहीं कर सकते। और क्वालिटी की अगर आप बात करें, आप देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी आपको फ्रंट कैमरा में देखने के लिए मिलती है। एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किसी भी तरफ अगर मैं घूम जाता हूँ लाइट की तरफ, चाहे लाइट के दूसरी तरफ, एक्सपोजर काफी अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं कनेक्ट किया, फोन का जो इंटरनल माइक है उसी से आवाज़ जो है वो कैप्चर हो रही है। और अगर आप थोड़ा स्टेबिलिटी के बारे में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना है वीडियो स्टेबल है अभी मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट में आप कुछ स्लो मोशन के सैंपल्स देख सकते हैं। दोस्तों स्लो मोशन अगेन 960 फ्रेम्स पर सेकंड में आप शूट कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट चीज लगी मुझे इस फोन की। इतना स्लो ये वीडियो को कर देता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्वियसली, और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत सारे सैंपल्स मैंने आपको दिखाए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ सवाल और सुझाव है नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।